छत्तीसगढ़ के रायपुर राज्य में जीएसटी टीम की कार्यवाही लगातार जारी है। आज टीम ने प्रदेश में 3 अलग अलग जिलों में छापामार कार्यवाही की है। जांच के बाद विभाग ने तीनों संस्थानों से 8 करोड़ से ज्यादा की रकम जमा कर रिटर्न फाइल करवाया है। जीएसटी की टीम की लगातार कार्यवाही से प्रदेश के व्यापार जगत में हड़कंप मचा हुआ है। राज्य कर आयुक्त रीना बाबा साहब कंगाले के निर्देश पर राज्य कर जीएसटी विभाग के जॉइंट कमिश्नर गोपाल वर्मा के नेतृत्व में 15 सदस्यीय 3 टीमों के द्वारा 3 डीलर्स मैसर्स सोमनाथ आर्यन एवं प्राइवेट लिमिटेड रायपुर, मैसर्स इंस सिनर्जी लिमिटेड रायगढ़ एवं मैसर्स ग्रांड क्रॉस प्राइवेट लिमिटेड कोरबा के यहाँ दबिश देकर व्यावसायिक स्थलों की जाँच की गई है। जांच के बाद 6 करोड़ का चेक, 1 करोड़ का कैश डिपॉजिट और 1.4 करोड़ रुपए जमा कराकर रिटर्न फाइल करवाया गया है। मैसर सोमनाथ आर्यन एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड रायपुर द्वारा आर्यन स्टील निर्माण एवं क्रय विक्रय का कार्य किया जाता है। विवरणी के अनुसार कुल क्रय एवं प्रस्तुत स्टॉक के कुल क्रय में बड़ा अंतर है एवं व्यवसाय द्वारा जून 2019 से अक्टूबर 2019 तक मासिक विवरणी प्रस्तुत नहीं किया गया था। व्यवसाय के द्वारा तत्काल 2 करोड़ का चेक प्रदान किया गया, जब्त दस्तावेजों की गहन जांच की जा रही है। राज्य कर आयुक्त रीना बाबा साहब कंगाले ने 15 सदस्यों की टीम बनाकर 3 बड़े डीलर्स के दस्तावेजों की जांच करवाई है। जांच के बाद जीएसटी में बड़ी चोरी पकड़ी गई है। अफसरों ने बताया कि डीलर्स मैसर सोमनाथ आर्यन एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड रायपुर, मैसर्स इंडर्स सिनर्जी लिमिटेड रायगढ़ और मैसर्स ग्रांड क्रॉस प्राइवेट लिमिटेड कोरबा के व्यवसायिक प्रतिष्ठानों की जांच की गई है। सोमनाथ प्राइवेट लिमिटेड में आयरन स्टील निर्माण एवं खरीदी व विक्री का काम किया जाता है। 2015 से 16 की पंजी में कुल क्रय 13,10,30,189 रुपए दिखाया गया है, जबकि स्टॉक में यह क्रय 4,59,73,692 रुपए दिख रहा है। जून 2019 से अक्टूबर 2019 तक का मंथली रिटर्न भी जमा नहीं किया गया है। जब्त दस्तावेजों की गहन जांच की जा रही है। कारोबारी से 2 करोड़ रुपए का चेक लिया गया है। दूसरी कार्यवाही में मैसर्स इंस सिनर्जी लिमिटेड रायगढ़ की है। ये आयरन और कोल का कारोबार करते हैं। 2013 से 2014 में कारोबारी का कुल टर्नओवर 2,89,54,825 रुपए दिखाया गया है। स्टॉक सूची के मुताबिक यह 3,75,99,274 रुपए है। कुल टर्नओवर और पेश किए गए स्टॉक के टर्नओवर में काफी बड़ा अंतर है। अक्टूबर 2019 का रिटर्न भी फाइल नहीं हुआ है। कारोबारी से तत्काल प्रभाव से 1 करोड़ रुपए ऑनलाइन जमा करवाए गए हैं। जब्त दस्तावेजों की गहन जांच की जा रही है। तीसरी कार्यवाही मैसर्स ग्रांड क्रॉस प्राइवेट लिमिटेड कोरबा की है। ये 4 पहिया वाहन और स्पेयर पार्ट्स की खरीदी बिक्री का काम करते हैं। कारोबारी ने जुलाई 2017 से मई 2019 तक 8,80,76,660 रुपए दिखाए हैं, लेकिन आईटीसी क्लेम 9,56,441 रुपए का किया गया है। इस दौरान नगद भुगतान किया ही नहीं गया है। जुलाई से अक्टूबर 2019 का जीएसटी रिटर्न भी फाइल नहीं किया गया है। 1,04,00,000 रुपए जमा कराकर उनका रिटर्न फाइल करवाया गया। विभाग कुछ और कंपनियों के ई रिटर्न का एसेसमेंट कर रहा है। आने वाले दिनों में इनके खिलाफ भी बड़ी कार्यवाही की जानकारी दी गई है। जेबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एंड जेबीडी बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।